एवरी ईयर एन टी ए और अदर एजेंसीज़ आर आस्किंग इस चैप्टर में थोड़ा सा क्लासीफिकेशन कुछ किंगडम्स जैसे मोनरा प्रोटिस्टा की डिटेल्स थोड़ी सी दी गई हैं वायरस बैक्टीरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा आपको प्रजेंट सीनारी में लग रहा है के वायरस इज़ स्प्रेडिंग एवरीवेयर तो डेफिनेटली वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो एक बनता ही बनता है इसलिए गेट रेडी प्रिपेयर दिस चैप्टर नाइसली एंड आई हैव सेगमेंटेड इट इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मिनिमम फाइव टू सिक्स पार्ट्स आर अवेलेबल इन दिस चैप्टर प्रिपेयर वन बाय वन नाइसली एक और हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं रीडिंग पैटर्न सीरीज़ जिसका नाम है एन सी उसके वीडियोस भी आपको बारी बारी से मिलेंगे जितने भी लेक्चर आप चैप्टर से रिलेटेड देख रहे हैं उतने बार आप उस चैप्टर को एन से वन टू वन वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन रीड करिए पेंसिल से अंडरलाइन करिए जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसे समझिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में हम लोग से पूछिए वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एन सी आर टी इज टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल वॉज द अर्लिएस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म अरस्तु ने सबसे पहले साइंटिफिक आधार पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने का प्रयत्न किया ही क्लासीफाइड प्लांट्स इंटू ट्रीज श्रब्स एंड हब्स उसने प्लांट्स को ट्रीज श्रब्स और हब्स में डिवाइड किया एंड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नाट यानी वो एनिमल जिनमें लाल रक्त होता है रेड ब्लड होता है और दूसरे जिनमें लाल रक्त नहीं होता है फर्स्ट को इन्होंने ई नाइमा और दूसरे को ए नाइमा कहा इसके बाद आया टू किंगडम क्लासीफिकेशन इट वॉज गिवेन बाई करल लिनियस इन अदर वर्ल्ड वी कैन सेरलस लिनियस डेवलप टू किंगडम क्लासीफिकेशन फर्स्ट वॉज किंगडम प्लान टी एंड अदर वॉज किंगडम एनीमेलिया लीनियस ने दो किंगडम क्लासीफिकेशन डेवलप किया पहला था किंगडम प्लान टी और दूसरा था किंगडम एनीमेलिया लेकिन इस क्लासीफिकेशन में कुछ कमियाँ थीं जिन्हें हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं इन दिस किंगडम क्लासिफिकेशन प्रो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एंड यू कैरियो फंजाई जिम्नो एनजीओ वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स यानी इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और यह सेल वॉल पे आधारित था बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर वाइडली डिफरेंट इन देयर करिस्टरिस्टिक लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म काफी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं इन दिस क्लासीफिकेशन यूनि सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैप्टन अ सेम ग्रुप मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम यानी टू किंगडम क्लासीफिकेशन में यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनजियोस्पम दोनों को साथ साथ रख दिया गया ये भी पूरी तरह से गलत है इन दिस क्लासिफिकेशन इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्राफिक ग्रीन ग्रीन प्लांट्स यानी इस किंगडम क्लासिफिकेशन में आटोट्रॉफिक और हैट्रोट्रॉफिक के बीच में कोई भी भेद नहीं किया गया जबकि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं फंजाई हैव काटिनस काइटिनस सेल वॉल वैल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल फंजाई में काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है जबकि प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो दोनों पूरी तरह से भिन्न होती हैं अलग होती हैं तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जिसे कैरोलस लेनियस ने दिया था इसका सल्यूशन लेके जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम था आर एच विटेकर इट प्रपोज्ड फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969, 1969 में आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इनके अनुसार इसमें पांच किंगडम हैं मोंड्रा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एन एनिमेलिया इट वॉज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर थैलस ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रीशन मोड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो था सेल स्ट्रक्चर थैलस का ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रिशन का आधार रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी ऑर्गेनिज़म का पूर्वजों के साथ कैसा रिलेशन था ना वन बाई वन वी विल सी ऑल द किंगडम द फर्स्ट वन इज़ मॉन्ड्रा मॉन्ड्रा में सेल टाइप होता है प्रो कैरियोटिक सेल वॉल नॉन सेलुलर होती है मेनली ये पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट होती है बॉडी ऑर्गनाइजेशन सेलुलर होती है न्यूट्रिशन मोड आटोट्रॉफिक होता है वो फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक हो सकता है एंड हैट्रोट्रॉफिक भी कुछ में पाया जाता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ये मोनरा के कुछ क्रेस्ट्रोस्टिक हैं नॉर्मली इनमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं नेक्स्ट किंगडम इज़ किंगडम प्रोटिस्टा इसमें सेल टाइप है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल होती हैं सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है न्यूट्रिशन का मोड आटोट्राफिक और हेटोट्रॉफिक कोई भी हो सकता है नेक्स्ट किंगडम किंगडम फंजाई सेल टाइप यू सेल वॉल काइटिनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर न्यूट्रीशन मोड हैट्रोट्रॉफिक नेक्स्ट किंगडम इज प्लानी इसमें यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है सेलुलोजिक सेल वॉल होती है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रजेंट होती है बॉडी ऑर्गनाइजेशन इनका टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का होता है न्यूट्रिशन मोड है ऑटोट्रॉफिक सारे प्लांट्स आर्टोट्रॉफिक होते हैं इनमें सेल वॉल एक डिफरेंट फीचर होता है जो एनिमल से इन्हें डिफरेंट करता है लास्ट किंगडम इज़ किंगडम एनिमेलिया इसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक है सेल वॉल इसमें अपसेंट होती है न्यूक्लियर मैमब्रेन प्रेजेंट होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज़ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम न्यूट्रिशन मोड हैट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड है हेट्रोट्रॉफिक तो ये कैरेस्ट्रिस्टिक फीचर्स हैं फाइव क्यूंगम क्लासीफिकेशन के जिसे आर एच वेटेकर ने 1969 में प्रपोज्ड किया